नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 मई दिन गुरुवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस वजह से सिद्धारमैया को पहनाया गया मुख्यमंत्री का ताज। ललन सिंह ने भाजपा को बताया सपनों का सौदागर। लालू यादव ने भाजपा और RSS पर साधा निशाना। जातीय जनगणना को लेकर सुशील मोदी ने जदयू और राजद पर साधा निशाना। किरेन रिजिजू से वापस ले ली गई कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी। अब चलिए बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। इस वजह से सिद्धारमैया को पहनाया गया मुख्यमंत्री का ताज। कर्नाटक चुनाव परिणाम के आज पांचवें दिन मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट हो चुका है। बता दें, कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया के नाम पर अपनी मोहर लगा दी है। अभी तक सिद्धारमैया और DK शिवकुमार के बीच रस्सा कसी का माहौल था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर पर सजेगा। इससे पहले DK कुमार ने स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद ही चाहिए, अन्यथा वे दूसरे किसी पद को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अब वे उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजी हो चुके हैं। सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का एक बड़ा मकसद यह भी था कि कांग्रेस कर्नाटक में अपने अहिंदा समीकरण यानी अल्पसंख्यक OBC और दलित के वोट को कमजोर पड़ने नहीं देना चाहती थी। इस समीकरण पर सिद्धारमैया की अच्छी पकड़ देखने को मिलती है। ललन सिंह ने भाजपा को बताया सपनों का सौदागर। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ललन सिंह ने कर्नाटक चुनाव की चर्चा करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने कहा है कि जनता को धोखा देते देते भाजपा अब भगवान को भी ठगने लगी है। यही वजह है कि कर्नाटक में भगवान ने भी उन्हें औंधे मुंह गिरा दिया है। आगे उन्होंने कहा कि भगवान भी समझ चुके हैं कि भाजपा मतलब भगवान के नाम पर झूठ बोलो पार्टी। भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये ना तो जनता के सगे हैं और ना ही भगवान के। विकास की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं से विकास का काम नहीं होता है, इसलिए ये लोग सपनों के सौदागर बन गए हैं। किरेन रिजिजू से वापस ले ली गई कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के टीम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बता दें कि किरेन रिजिजू जो कि केंद्रीय कानून मंत्री है, उनसे अब यह विभाग ले लिया गया है और अर्थ साइंस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल को सौंप दी गई है। बता दें कि मंत्रियों की समीक्षा का दौर केंद्र सरकार में देखने को मिल रहा था, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हुआ था कि कौन सा मंत्रालय किसके पास गया है। इस साल की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री द्वारा संकेत दिए जा चुके थे कि मंत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर फेरबदल किए जा सकते हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक इस बात की खबर भी सामने आई है कि जिन मंत्रियों ने अपने पद पर रहकर खराब प्रदर्शन किया है, उन्हें बस पद से हटाकर राज्य में स्टार प्रचारक रहे कुछ सांसदों को जगह दी जा सकती है। मटन पार्टी में शराब परोसन वाले बयान को लेकर फंसे सम्राट चौधरी। मटन पार्टी को लेकर बिहार की सियासत में राजनीति गरमाती ही जा रही है। दरअसल बीते ही दिनों BJP के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जदयू अध्यक्ष के मटन पार्टी में शराब परोसने का आरोप लगाया था। लगाए गए इस आरोप पर ललन सिंह भड़के हुए नजर आए। यहाँ तक कि जदयू की तरफ से इस आरोप को लेकर सबूत पेश करने का अल्टीमेटम भी दिया गया था। अब इसी मामले पर सम्राट चौधरी को मुंगेर के जदयू जिलाध्यक्ष नचिकेता मंडल ने कानूनी नोटिस भेज दिया है। साथ ही उन्होंने 15 दिनों के अंदर मटन पार्टी में शराब परोसने के सबूत को सार्वजनिक करने की मांग की है। मंडल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सम्राट सबूत पेश नहीं करते हैं तो उन्हें केस लड़ना होगा। इसके अलावा सम्राट चौधरी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात भी तारापुर से जदयू विधायक राजीव कुमार सिंह कह चुके हैं। मांझी के इस कदम से बदल सकता है बिहार का सियासत। कभी जीतन राम मांझी ने नीतीश के साथ रहने की कसम खाई थी, लेकिन बीते ही दिनों उन्होंने यह बयान दिया कि नीतीश के साथ रहने की कसम खाई है, लेकिन राजनीति में कोई कसम नहीं होता। मांझी के इस लहजे से साफ दिख रहा है कि मांझी ने आर पार के संकेत दे दिए हैं। अब उनके इस बयान को लेकर सियासत में चर्चा शुरू हो चुकी है। दरअसल उनका मानना है कि यदि मांझी अपने बयानों के अनुसार सच में ऐसा करते हैं तो बिहार की राजनीति में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं मांझी के इस बयान पर मंत्री श्रवण कुमार का पलटवार भी देखने को मिला। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मांझी सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जीतनराम मांझी तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं और अपने हिसाब की बात रखते हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर जदयू प्रवक्ता ने कही ये बात। राजनीतिक घमासान के बीच अब धीरेन्द्र शास्त्री अपना कार्यक्रम समाप्त कर बागेश्वर धाम की तरफ रवाना भी हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी का दौर अभी भी शुरू है। अब इसी कड़ी में जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भाजपा का घेराव करते हुए कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी भाजपा को स्वयं पर विश्वास नहीं है। वो बाबा का सहारा लेकर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा को कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा से जनता का मोह भंग हो चुका है। वहीं RSS की बात करते हुए उन्होंने कहा कि RSS पिछले 100 सालों से हिंदू राष्ट्र का नारा दे रही है, लेकिन उन्हें आज तक कामयाबी नहीं मिली, न ही आगे मिलेगी। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को उन्होंने राजनीति का प्रयोगशाला भी बताया और कहा कि वह भाजपा के कसीदे पढ़ रहे हैं। चिराग पासवान ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान और विपक्षी एकता के मुहिम पर कही ये बात।
बिहार में आए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम लगभग 5 दिनों तक चला। अपने इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई बार हिंदू राष्ट्र पर बात की। हिंदू राष्ट्र की बात उन्होंने करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र का संकल्प पूरा होगा। अब धीरेन्द्र शास्त्री के इस संकल्प पर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सभी धर्मों के लोग आएंगे और अपनी बात को कहेंगे, लेकिन देश तो संविधान से ही चलेगा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों से देश संविधान के आधार पर ही चल रहा है। विपक्ष के लोग ढिंढोरा पीटते रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो गई, लेकिन देश में चुनाव होने बंद नहीं हुए। वहीं नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार बिहार और बिहारियों की परवाह छोड़कर देश में घूम घूम कर विपक्षी दलों के नेताओं के दरवाजे पर अर्जी लगाने की फुर्सत है, लेकिन अपने ही प्रदेश के लोगों का हाल जानने का समय नहीं है। लालू यादव ने भाजपा और आरएसएस पर साधा निशाना। बिहार में जातीय गणना कराने पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले पर सियासी बयानबाजी तेज होती दिख रही है। इस रोक को लेकर महागठबंधन के नेता भाजपा के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस गणना को नहीं होने देना चाहती है। अब इसी बीच लालू यादव का ट्वीट सामने आया है। लालू यादव ने अपने ट्वीट के माध्यम से भाजपा पर हमला बोलते हुए लिखा है कि केंद्र सरकार घड़ियाल की गिनती कर लेती है, लेकिन देश के बहुसंख्यक गरीबों, वंचितों, उपेक्षितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की नहीं, आरएसएस भाजपा देश के ओबीसी की जानवरों से भी बदतर मानते हैं, इसलिए इन्हें जातीय गणना और जातीय सर्वे से दिक्कत है। बीजेपी को पिछड़ों से इतनी नफरत और दुश्मनी क्यों? जातीय जनगणना को लेकर सुशील मोदी ने जदयू और राजद पर साधा निशाना। बिहार में जातीय जनगणना पर अदालत द्वारा रोक लगाए जाने की जिम्मेदारी बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार को बताया है। साथ ही ट्वीट के जरिए लालू यादव पर भी निशाना साधा है। ट्वीट कर सुशील कुमार मोदी ने लिखा है कि जातीय जनगणना कराने के लिए विधानमंडल के दोनों सदनों में बीजेपी का समर्थन करना और बीजेपी की सरकार में रहते ही कास्ट सेंसस कराने का फैसला होना लालू यादव को बेचैन करता है। भारतीय जनता पार्टी को जातिगत जनगणना का विरोधी प्रचारित करने की बेचैनी में सर्वे की गिनती में फर्क नहीं कर पाते। साथ ही आगे उन्होंने लिखा कि पटना हाईकोर्ट में न्यायालय में नीतीश कुमार ने कमजोर दलीलें दी, जिन वजहों से अदालत ने रोक लगा दिया। इस कानूनी हार की जिम्मेदारी लेने के बजाय आरजेडी जदयू के लोग बीजेपी पर भड़ास निकालते हैं। बिहार सरकार की ही सहयोगी पार्टी राजद विधायक ने शराबबंदी पर उठाए सवाल। बिहार में शराबबंदी को लेकर अक्सर विपक्ष नीतीश पर हमलावर रहते हैं, लेकिन अब शराबबंदी कानून को लेकर सरकार में सहयोगी की भूमिका राजद पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी अभियान पूरी तरह से फेल है, इसको लेकर सरकार गंभीर नहीं दिखती है। साथ ही उन्होंने शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की बात करते हुए कहा कि सरकार ने बस दिखावे के लिए इस कानून को लागू कर रखा है। नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी ने राबड़ी देवी से की पूछताछ। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जांच एजेंसियों द्वारा पूरे लालू परिवार पर इस मामले में शिकंजा कसा जा रहा है। आज इस मामले में पूछताछ को लेकर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को ईडी ऑफिस में बुलाया गया था। इससे पहले भी राबड़ी देवी से इसी मामले में सीबीआई के द्वारा पूछताछ की जा चुकी है। बता दें कि राबड़ी देवी अपने बयान को धनशोधन रोकथाम कानून के तहत दर्ज करवा रही है। इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव और मिसा भारती से भी ईडी द्वारा पूछताछ की जा चुकी है। बता दें कि सीबीआई ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज किया था, जिसके आधार पर ईडी द्वारा यह कार्रवाई की जा रही। प्रियंका गांधी के पीएम उम्मीदवार की मांग पर टीएमसी की प्रतिक्रिया आई सामने। कांग्रेस नेता रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा बयान दिया गया है कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार हो सकती है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल टीएमसी सांसद सौगात रॉय द्वारा कहा गया है कि मैं प्रियंका गांधी के बारे में कुछ नहीं जानता, लोग कहते हैं कि वह इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं, उन्होंने कांग्रेस को हिमाचल और कर्नाटक में अच्छे चुनावी रिजल्ट हासिल करने में मदद की है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि देश में कांग्रेस जहां भी मजबूत है वहां तृणमूल कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। बीजेपी सांसद ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। बिहार एजेंडा 2025 संवाद को संबोधित करने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी पूर्णिया के कला भवन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन की सरकार पर जातीय जनगणना को लेकर हमला बोला है। दरअसल उन्होंने कहा है कि जब जब बिहार सरकार को यह आभास होता है कि सत्ता कमजोर होती जा रही है, तब वे गिनती की तरफ बढ़ती है। आज बिहार पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य बन गया है। यहां के 4 करोड़ लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। यह सरकार पलायन रोकने के बजाय लोगों को जात पात में बांटने में लगी है। वहीं पूर्णिया एयरपोर्ट का मामला उठाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार सरकार जानबूझकर राजनीति के तहत पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं बनाना चाहती है। एयरपोर्ट के लिए जमीन देना था, जहां दूसरे साइड में सरकार ने राजनीति के तहत जानबूझकर जमीन दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार जानबूझकर अंडा लगा रही है ताकि केंद्र सरकार यहां एयरपोर्ट न बना पाए। इस अधिकारी को दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी बनाने की केजरीवाल ने की मांग।
खबर सामने आई है कि 1989 बैच के आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नया चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं, इसलिए केंद्र सरकार से उन्होंने उनके नाम की मंजूरी मांगी है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार दिल्ली सरकार के एक अधिकारी द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि यदि केंद्र सरकार द्वारा केजरीवाल की मांग को मंजूरी मिल जाती है तो प्रवीण कुमार गुप्ता दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की जगह लेंगे। बता दें कि अभी नरेश कुमार इस पद को संभाल रहे हैं। नरेश कुमार 1987 बैच के अधिकारी हैं। पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर केस दर्ज कर जेल भेजने का किया आग्रह। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर हो रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब पप्पू यादव का बयान भी सामने आया है। दरअसल पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि वे ऐसे लोगों को नहीं जानते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते हैं, ना ही हम धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने वाले को जानते हैं। अपने इन बयानों के बाद धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना उन्होंने गोबर से भी की और कहा कि आसाराम बापू तो बुढ़ापे में जेल गए थे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री इसी उम्र में जेल जाएंगे। साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से आग्रह करते हुए कहा कि ऐसे पाखंडी बाबाओं पर केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। फिलहाल आज के राजनीतिक जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है सुरुचि कुमारी, बाबूलाल मरांडी, सुरेश ओरा, मोहम्मद सकीर हुसैन और अनवर करीम खान। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राजनीतिक नेताओं द्वारा अक्सर विशेष धर्म की बात कर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जाती है, इस पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।